वालेकुम सबसे पहले तो आप सबको हमारी तरफ़ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक आज खुशी का दिन है आज हम सब की ईद है तो जी यहाँ पर हमारी ईद की सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है क्योंकि सुबह से हम उठे हुए हैं नमाज़ पढ़ी थी नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सेवैयाँ वगैरह खाई उसके बाद बच्चों को रेड किया अब बच्चे हो चुके हैं तैयार तो जी यहाँ पर हमने अपनी ईद की सेलिब्रेशन शुरू कर दी हुई है तो जी यहाँ पर हमने खाने में बनाकर बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं छोटी ईद पर तो मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं और यहाँ पर हमने भी बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें बच्चों के फरमाइश पर बना कर रखी हुई हैं क्योंकि छोटी ईद पर तो मीठी चीज़ें ना हों और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि छोटी ईद होती ही मीठी ईद है तो जी यहाँ पर यह देखें जी बच्चों की तो आज से ईद लगी हुई है है न मानियाँ तो जी ये देखें यहाँ पर क्या बड़ा हुआ है एम, ए, ये क्या है ये किसकी ईदी है के लिए। हाँ जी तो जी आज के दिन बच्चों को तो ज्यादा खुशी होती है क्योंकि बच्चों को ईदी मिलती है और जैसे हमें अपने बचपन में ईद मिलती होती थी वैसे अब बड़े होके हमें देनी पड़ती है <laughs> और बचपन में हम लेते थे लेकिन हैर अब ये है कि जब बचपन में हमें मिलती थी तब हमें अपनी खुशी होती थी अब बड़े होकर हमें देनी पड़ती है तो उसकी भी एक अपनी ही खुशी होती है दे के बच्चों को फैमिली में बच्चों को और सभी को देख के ना बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है तो आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशी का अपनी फैमिली के साथ मिलकर उनको ईद मुबारक कह के तो एक अलग सी ही ना खुशी होती है इंसान को तो यहाँ पर मैंने अमाना ने ईदी तैयार करके रखी हुई है इसके अंदर है इनकी ईदी ये एक अमान के लिए है ये आनिया की है क्योंकि ये मैंने आनिया के ड्रेस के साथ मैच की थी ये लो आनिया और ये अमान के ड्रेस के साथ मैच किया था ये है अमान की ये अमान की ईदी है और ये जो एक है ना ये अमान अब देगा आनिया को अपनी तरफ से अमान पकड़ो अच्छा जी छोटी ईद पर मुझे ऐसे लगता है कि ना जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना उसकी ज्यादा ईद लगी होती है अमान ये आपने नहीं लेनी ये आपने आनिया को देनी है ये आनिया की ईदी है वाह जी आने के दो पैकिंग आई ईदी में ईदी गिफ्ट मिल गया आनिया को ये मैं ले लूंगी आनिया से नहीं और अमान का भी मैं ले लूंगी ले लो लू। अमान मान जाता होता है <laughs> ये बड़ा सा हर चीज मान जाते आनिया नहीं मानती तो जी अच्छा जी मैं ये कह रही थी कि छोटी ना जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना उसकी ज्यादा मुझे लगी होती है वो क्यों वो इसलिए क्योंकि उसको ना सबसे ज्यादा ईदी मिलती है <laughs> और उसके बाद सबसे ज्यादा ईदी ना जमा होती है क्योंकि छोटे बच्चे को ना ज्यादा मिलती है हर कोई इसी को ज्यादा ईद देता है तो ये है कि बच्चों की हैर मोजे लगी होती है ईदवारे दिन जैसे मानियाँ की लगी हुई हैं आज है ना मान आच्छा जी यहाँ पर जी आज हमारा प्रोग्राम था कहीं जाने का लेकिन यह कि जिस जगह हमने जाना था वो वहां पर ना मौसम नहीं ठीक जैसे कि सभी को पता है जर्मनी का मौसम ना एक मिनट में कुछ है दूसरे मिनट में कुछ है ना पता नहीं चलता ना तो उसकी वजह से हमने अपना प्रोग्राम किया कैंसिल और उसके बाद जो हालात चल रहे हैं उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ना था आज के दिन भी तो फिर हमने सोचा कि चलें बाहर कहीं आउटिंग के लिए ही निकल जाएंगे कोई एक जगह हमने प्लेस देख ली थी कि चलो कुछ तो किया जाए ईद वाले दिन क्योंकि अब तो हालात का तो कुछ नहीं कह सकते चल रहा है यहाँ पर तो ऐसे ही चल रहा है तो ये है कि अभी हम यहाँ पर खाएंगे सेवैयाँ जो मैंने बना के रखी हुई हैं तो ये खाने के बाद फिर हम निकलेंगे बाहर आउटिंग के लिए उसके बाद फिर हम जाएंगे सबसे पहले हमने जाने फैमिली को मिलने फैमिली को मिलकर उनको ईद मुबारक क्या क्या फिर हमने निकलने आउटिंग के लिए फिर हम उधर जाएंगे उधर से फिर घूम फिर के फिर वापसी पे हम जाएंगे फैमिली की तरफ उधर खाना वगैरह खाने उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम आ जाएंगे घर तो ये आज की एक्टिविटी है हमारी ईद डे वन की है ना मानानिया ये फिक्र ना करो बाद में तीनों ईदियाँ मेरी होंगी है ना आनिया आने छुपा के रख दे कहाँ पे छुपाओगी हाँ हा? आने अपनी मेहंदी दिखाओ चलो मान और ये अपनी ईदी यहाँ पे रखो टेबल पे जो? हाँ जी अपनी ईदियाँ दिखाओ जी ईदी तो हम बोली गए दिखाना हाँ ईद मुबारक जी ईद मुबारक उल्टा हाथ करो आने दूसरी साइड्स पे भी दिखाओ वाह इतनी प्यारी मेहंदी ये किसने लगाई आने को मामा ने लगाई है तो ये चूड़ियाँ कितनी प्यारी पहनी हुई आनिया ने ये मैं ले लूँ याने की चूड़ियाँ मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है ये मैंने लेनी है मुझे दे दो मैं ले लो अच्छा जी मेरे पास भी है तो तो जी बच्चों जी शुरू करो आपने कुछ खाना है तो खाओ यहाँ से ले लो बिस्मिल्लाह करें मजा आ रहा है मान आने को आज जी और एक और चीज है क्या आज फादर है हाँ जी हमें तो भूल गया है बताना आज है फादर डे तो मानो विश कर लिया सुबह सुबह उठ से ये मुबारक बाद में बाग्य गए हैं इन्होंने मतलब जैसे बच्चे होते हैं कुछ ना कुछ खुद बनाया होता है तो कुछ आर्ट वगैरह किया हुआ था इन दोनों ने तो इनको ये था कि सबसे पहले हम पापा को ना सुबह फादर डे कर लें फादर डे ना विश कर ले तो इन्होंने कर लिया था तो आज ईद भी है आज डबल डबल खुशिया भाई ईद की भी फादर डे की भी सारी चीजों की क्यों मान आने हैं तो जी आज के दिन बस खाना पीना ही है ये जैसे अभी मीठी चीज़ें हैं उसके बाद दूसरी चीज़ें होंगी तो बस आज के दिन खा पी के घूम फिर के फैमिली के साथ मिलके ही ऐसे ही गुजर जाएगा क्यों तो आज खुशी का दिन है हमें भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा हमारी दुआएं आप सभी के साथ हैं है, है नान्या आने की तो चूड़िया मैंने आज लेनी लेनी है <laughs> हाँ जी चले ये खाएं फिर मैं आपको मान आने के कपड़े भी दिखाती हूँ इन्होंने आज क्या पहना है ये हमने इनके कपड़े पाकिस्तान से मंगवाए थे कि ईद आ रही है तो चलो बच्चों की शॉपिंग कर ली जाए यहाँ पर तो वैसे भी इस तरह की चीज़ें मिलने बहुत मुश्किल है ऑनलाइन मंगवा सकते हैं उसमें भी मसला होता है कभी कभी कुछ चीज़ें स्टिच्ड नहीं मिलती तो ये है कि जर्मनी में ना इस तरह का मसला बहुत ज़्यादा रहता है इन चीज़ों को लेके तो फिर मैं तो हर दफ़ा पाकिस्तान से ही या ले कर आती हूँ या मंगवा लेती होती हूँ हाँ जी बच्चे दिहाड़ी लग गए हो तुम ही खजूर लो अमन नहीं अमान खजूर नहीं खाता होता नहीं क्यों नहीं नहीं पसंद होंगे अच्छा चलो ठीक है अब क्या खाओगे डोनट डोनट लेने ले लो मुझे नहीं स्टोनट्स नहीं पसंद पर खा नहीं लेते हूं मैं ओके okay. आप मैं आप ही यहाँ से मिठाई वगैरह खा सकते हैं आधुशी का दिन है ईद है तो ईद हो सोई ना होमी मिठाई ना हो ये तो हो ही नहीं सकता आन्या जी आपने क्या लेना है मैं बता दूं

वहां पर आपको जाके मिलते हैं इनशाला हम हाँ पहुंच गए यहाँ पर यहाँ पर हम हाँ थोड़ी सी आउटिंग करेंगे खाना वगैरह हमने खा लिया वहां पर फैमिली की तरफ खाना खाने के बाद ना वहाँ पर टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का सो हम नहीं बना सके तो अभी हम यहाँ पर आए हैं यहाँ पर, पर बहुत ज्यादा ठंड है इस वक्त बहुत ज्यादा हवा चल रही है आउटिंग करेंगे आउटिंग करने के बाद फिर घर चले जाएंगे फिर हमारा आज का दिन कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह क्यों माना नहीं? थी गाड़ी में अभी अभी उठी है इसलिए आने जरा ना ये वैसे भी चुप होती है और अभी इसलिए ऐसे ही है अभी हम थक चुके हैं अब हम घर की तरफ जा रहे हैं तो क्योंकि सुबह से उठे हुए हैं तो उसके बाद सारा दिन ईद के दिन आपको तो पता ही इतने ज़्यादा काम होते हैं काम करने के बाद इंसान वैसे थक जाता है और वैसे भी जब ईद के दिन बाहर कहीं निकल जाओ तो ज़्यादा ही ना थक जाते इंसान तो आज हमारी आउट हो चुकी है और यहाँ पर देख लीजिए आके आकर वो तो बत्खें नज़र आएंगी वो भी अपनी ईद मनाने आई हुई है यहाँ पर ये देखिए जूम करती हूँ थोड़ा सा ये बैठी हुई है। हैं हाँ। उनकी भी फैमिली आई हुई है ईद मनाने बाय बाय हम तो जा रहे हैं घर आप अपनी ईद मनाएं और इन्जॉय करें यहाँ पर ये देखें दो दो चार दो छः नेक्स्ट वीडियो में आदानी के बाद बाय बाय